तो द्वारका के बी 38S वार्ड में अमराई गांव और पोचनपुर गांव में डिजिटल नई बिल्डिंग का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षा समिति चेयरमैन नितिका शर्मा, दिल्ली प्रभारी वैजयंत पांडा भी मौजूद रहे। हमको बहुत बधाई देता हूं कि आज वहां 3 लाख से ज़्यादा बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनको स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से अच्छे स्तर की एजुकेशन दी जा रही है। वहां पर बच्चों को स्पोर्ट्स सुविधाएं मिल रही हैं, मिड डे मील मिल रहा है, फ्री स्कूल बैग, ड्रेस और उनको उनके पौष्टिक आहार का ध्यान रखने के लिए किचन गार्डन की भी व्यवस्था की गई है। और आज द्वारका के अंदर अम्बरहाई में ये जो स्कूल निगम ने बनाया बेहतरीन है, पब्लिक स्कूल से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बच्चों को टैब भी दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन का स्तर अगर देखना है तो एक तरफ वो है जो सिर्फ प्रचार में विश्वास रखते हैं, एक तरफ ये कार्य संस्कृति है जो स्कूल बनाकर बच्चों को और नागरिकों को अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं। ये स्कूल नगर निगम के फंडिंग से बनी है। प्रदेश सरकार ने एक भी पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया स्कूल को बनाने में, और वो जो विज्ञापन देने में लगे रहते हैं, आपको दर्शकों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने विज्ञापन तो देते हैं लेकिन स्कूल जुड़ते नहीं हैं, बंद करते हैं। आंकड़े देखिए, 16 स्कूल बंद कर चुके हैं और नगर निगम के जरिया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे सीनियर पार्षद और पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत जी, यहाँ के साउथ दिल्ली की एजुकेशन समिति के चेयरपर्सन नितिका जी और बाकी सब हमारे लग के काम कर रहे हैं। अब तक 75 नए स्कूल जुड़ चुके हैं। दिल्ली के मटियाला विधानसभा के द्वारका बी में हम पहुँचे हैं और यहाँ डिजिटल के माध्यम से स्कूल शुरू किए जाएंगे नगर निगम के, जिसकी शुरुआत यहाँ अमराही गांव में हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदेश गुप्ता ने किया है और पूर्व में मेयर रही कमलजीत सहरावत जो मौजूदा पार्षद है बीजेपी से, उन्होंने बच्चों के डिजिटल के लिए यहाँ से क्लास शुरू की है और नई बिल्डिंग बनाकर यहाँ बच्चों को समर्पित कर दी। जो कभी पहले ये जब स्कूल बनता था तो एक चर्चा का विषय रहता था कि बच्चों की पढ़ाई का भविष्य कैसे होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।